जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको इस वीडियो में भैया दूज से संबंधित कथाएं सुनाऊंगी। कार्तिक शुक्ल द्वितीया को भैया दूज का पर्व मनाया जाता है। यूं तो सारे भारत में इस पर्व की धूम रहती है, पर महाराष्ट्र में माऊ बीज, गुजरात में भाई बीज, बंगाल में भाई फोटा व उत्तर प्रदेश में भ्रातृ द्वितीया के रूप में यह विशेष लोकप्रिय है। लोग इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। यह सुखद अनुभूति का पर्व है। इस दिन जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उसके हाथ का बना खाना ग्रहण करता है, वह धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। इस प्रकार जो मनुष्य यह पंच महोत्सव पर्व दीपावली मनाता है, वह वर्ष भर अनेक व्याधियों से दूर और धन धान्य से परिपूर्ण होता है। पंच महोत्सव पर्व मनाने से हम अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। आइए अब करते हैं भैया दूज की कथा प्रारंभ। सूर्य के पुत्र और पुत्री यम और यमी में बहुत प्रेम था, पर बाद में राज कार्य के कारण यम अपनी बहन यमी अर्थात यमुना जी को भूल गए। तब एक दिन कार्तिक शुक्ल द्वितीया को बहन ने भाई को निमंत्रण भेजा। यम उद्विग्न हो उठे, उन्हें बहन के टीके की याद आई। वे यमुना के घर पहुंचे। बहन बहुत प्रसन्न हुई, उसने भाई का टीका किया। टीके के बाद यम ने कुछ मांगने को कहा। बहन ने मांगा कि आज के दिन जो बहने भाई का टीका करे उनकी रक्षा होनी चाहिए। भविष्योत्तर पुराण में इस कथा के अंत में कहा गया है, हे युधिष्ठिर, यमुना ने कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को ही अपने भाई को निमंत्रण किया था, अतः इस पर्व का नाम यम द्वितीया पड़ गया। इस दिन बहन के स्नेहपूर्ण हाथों से परोसा भोजन ग्रहण करना चाहिए। ये अब सुनते हैं भाई दूज के कुछ अन्य कथाएं। एक अन्य कथा के अनुसार एक राजा अपने साले के साथ चौपड़ खेलता था। साला जीत जाता था। राजा ने सोचा कि भाई दूज पर यह बहन से टीका कराने आता है, इसलिए जीत जाता है। अतः राजा ने भाई दूज आने पर साले को आने से रोक दिया, साथ ही कड़ा पहरा लगा दिया कि वह न आ सके। जब भैया दूज पर भाई बहन के पास टीका कराने नहीं पहुंचा तो वह बहुत दुखी हुई। तब भाई यमराज की कृपा से कुत्ते का रूप धारण कर राजा के कड़े पहरे के बावजूद बहन के यहाँ पहुँचा। बहन टीका लगे हाथ बैठी थी। कुत्ते को देखकर उसने प्रेम से अपना टीके से सना हाथ उसके माथे पर फेरा। कुत्ता वापस चला गया। लौटकर वह राजा से बोला, मैं भाई दूज का टीका करा कर आया हूँ, आओ अब खेले। राजा बहुत चकित हुआ। तब साले ने सारी बात सुनाई। राजा टीके का महत्व मान गया और अपनी बहन से टीका कराने चला गया। भाई दूज की एक कथा जैन साहित्य में रोचक ढंग से दी गई है। जैन धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथ कल्प सूत्र में बताया गया है कि कार्तिक कृष्ण अमावस्या को भगवान महावीर के निर्वाण के पश्चात नंदीवर्धन बहुत ही दुखी हुए। तब उस घटना के तीसरे दिन अर्थात कार्तिक शुक्ल द्वितीया को नंदीवर्धन की बहन सुदर्शना ने भाई को भोजन के लिए अपने घर आमंत्रित किया। उसने अपने हाथों से बनाकर नंदीवर्धन को सुस्वाद भोजन परोसे। अतः यह दिन भ्रातृ द्वितीया या भाई दूज के नाम से प्रसिद्ध होकर हर दीपावली पर मनाया जाने लगा। भैया दूज को कई लोक कथाओं ने हृदयग्राही बना दिया है। एक कहानी के अनुसार एक भाई अपनी बहन के यहाँ भाई दूज का टीका कराने गया। जब वह टीका कराकर और खाना खाकर लौटने लगा तो बहन ने आटा पीसकर रास्ते के लिए लड्डू बांध दिए। दुर्भाग्य से आटे की चक्की में एक सांप बैठा था जो पिस गया। भाई के जाने के बाद जब बहन को यह बात पता चली तो वह उसके पीछे दौड़ी। वह अपने बच्चे को अकेला सोते छोड़ गई। रास्तों और जंगलों को पार करती, हर एक से पूछती, वह एक पेड़ के नीचे पहुंची, जहां भाई दोपहर को सुस्ताने के लिए सो गया था।
लड्डू की पोटली भाई ने एक पेड़ से बांध रखी थी। बहन ने झट वे लड्डू खोलकर फेंक दिए। रक्षा के लिए वह खुद ही भाई के साथ हो ली। रास्ते में एक औरत ने बताया कि जो सांप चक्की में पिसकर मर गया था, वह सांप व सांपिन तेरे भाई की शादी के दिन इसे काटने आएंगे। फिर ऐसा ही हुआ, सांप सांपिन दोनों आए, पर बहन ने उनके काटने से पहले ही उन्हें मारकर भाई को बचा लिया। एक अन्य कथा में एक भाई गरीब था। एक बार वह भाई दूज पर बहन से टीका कराने के लिए निकला। वह रास्ते भर सोचता रहा कि बहन को देने के लिए तो कुछ नहीं है, क्या देगा। रास्ते में उसने नदी पार की तो नदी बोली, तेरी माँ ने तेरे जन्म पर भेंट चढ़ाने का वादा किया था, आज तक नहीं चढ़ाई, अतः मैं तुझे लहरों में सोख लेती हूँ। भाई ने कहा, बहन से टीका करा आओ, फिर सोख लेना। आगे रास्ते में शेर व शेरनी मिले। वे बोले, तेरी माँ ने तेरे जन्म पर बकरा चढ़ाने का वादा किया था, आज तक पूरा नहीं किया, अब हम तुझे खाएंगे। भाई ने कहा, बहन से टीका करा आऊं, फिर खा लेना। जंगल पार करते ही पहाड़ ने कहा, तेरे जन्म के लिए तेरी माँ ने पूजा में भेंट देने को कहा था, आज तक नहीं दिया। भाई ने उससे भी बहन से टीका करा कर आने की बात कही। वह बहन के घर पहुंचा। बहन के टीके के कारण उसे न पहाड़ रोका, न शेर शेरनी ने और न नदी ने। फिर भी बहन ने सोने की ईंट से पहाड़ की पूजा की, शेर शेरनी को बकरा चढ़ाया व नदी को भेंट चढ़ाई। इन सब ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि ऐसे ही भाई बहन सबके हों। नेपाल में भाई दूज को भाई टीका के नाम से दिवाली पर्व के पांचवें दिन अत्यंत उत्साह से मनाया जाता है। इसके बारे में यह कथा प्रसिद्ध है कि लंका में विजय के बाद राम अयोध्या लौटे। युद्ध में जीवित लोगों का उनके परिवार के सदस्यों व मित्रों ने भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर बहनों ने भाइयों को पुष्पहार पहनाए तथा माथे पर टीका लगाकर उनके दीर्घ जीवन की कामना की। तब से बहनें हर वर्ष इस दिन अपने भाइयों के टीका लगाती है। फिर बहनें दहरी में बैठकर अखरोट को एक ही बार में तोड़कर छत पर फेंक देती है। यह भी माना जाता है कि हिरण्यकश्यप का वध दहरी पर किया गया था, इसलिए दहरी में अखरोट तोड़ा जाता है। इस तरह भाई दूज की अनेकानेक कथाएं जुड़ती गई और यह पर्व भाई बहन के अनन्य प्रेम के प्रतीक स्वरूप लोकप्रिय हो गया। तो दोस्तों, आपको ये कथाएं कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी आगे की सभी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।